करवा चौथ पर इस बार चंद्रमा के साथ इंद्रदेव भी सुहागिनी महिलाओं के त्याग और समर्पण की परीक्षा लेंगे। करवा चौथ पर सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन कर व्रत खोलती हैं। वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए 13 अक्टूबर यानी करवा चौथ के दिन भी बादल वर्षा के आसार बन रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो मौसम आगामी 2 दिनों तक ऐसा ही रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से निम्न स्तर पर नमी आ रही है और इसके असर से जबलपुर सहित संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। यानी करवा चौथ पर इंद्रदेव व्रती महिलाओं की डगर कठिन कर सकते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों से मानसूनी गतिविधियां फिर सक्रिय है और सोमवार की रात भी जोरदार वर्षा हुई थी। वहीं शहर के कई स्थानों में पानी भर गया था और रात करीब 7 बजे से शुरू हुई वर्षा का दौर रुक रुक कर रात भर जारी रहा। मंगलवार को भी आसमान पर दिन भर बादल छाए रहे, बौछारें और बूंदाबांदी भी होती रही। बीते 24 घंटे में 67.4 मिलीमीटर यानी 2.6 इंच बारिश हुई और मंगलवार की रात भी मौसम का मिजाज बदला रहा। देर शाम को हल्की बूंदाबांदी और रात में बौछारें पड़ती रही। बहरहाल जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही वर्षा से वातावरण में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है। मंगलवार को दिन में भी हल्की ठंडक महसूस की गई है और रात में ठंड का एहसास बढ़ा रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री से 4 डिग्री गिरावट के साथ 28.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 23.4 डिग्री से 3 डिग्री कम होकर 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।